जेएनयू छात्रों को सपोर्ट करने के बाद से दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक विवादों में आ गई है। एक तरफ जहां फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है, वहीं अब मेकर्स सवालों के घेरे में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छपाक में रियल एसिड अटैक के आरोपी नदीम खान का नाम बदल के राजेश किया गया है। मुस्लिम आरोपी का नाम बदल कर उसे मूवी में हिंदू दिखाने पर लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं भाजपा समर्थक दीपिका के जेएनयू जाने को लेकर के उसकी फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो भी खरी दिखाई पड़ेगी उसका विरोध होगा, जनता में उसका आक्रोश होगा, इसलिए हम सब लोग इस बात को मानते हैं। वैसे मुझे जो जानकारी मिली है कि उसको किसी ने मिसगाइड करके ले गया और उसके लिए उसने एक अभी अपोलॉजी नहीं की है, लेकिन वो उसको मिसगाइड करके ले गया और उसने कहा भी है कि मैं गई थी पूरा उस जेएनयू के जो उसका एक डिग्निटी है उसको बचाने के खातिर में गई थी, वो स्ट्राइक ख़त्म हो इसके लिए गई थी वो। मगर ये जानकारी हमें मिला है, हम सब लोगों को संपर्क कर रहे हैं और अगर जाएंगे कुछ अगर हीरो हीरोइन तो हम लोग भी सक्षम हैं और उनसे अधिक हम लोग को हीरो हीरोइन का स्टॉक अपने पास में है। वैसे मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, कल जेएनयू मैं भी जाऊँगा कुछ बड़े बड़े हस्तियों को लेकर के। मतलब कुल मिला के जेएनयू को जो बदनाम करने की साजिश चल रही है वामपंथियों द्वारा, जिसका साथ कांग्रेस ही दे रहा है, सोशलिस्ट भी कुछ दे रहे हैं, ये चिंता की बात है। क्या आप मानते हैं जो देश के खिलाफ जो स्लोगन लगाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो भी नेता या अभिनेता जो अभिनेता या अभिनेत्री जाए उनको उनके फिल्मों को बायकॉट करना चाहिए? देखिए निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर एक्ट्रेस या ऐसे ऑथर ऑथरेस या ऐसे जो भी चिंतक हैं या फिलोसोफर से बाकी लोग हैं, इन लोगों का अगर दिग्भ्रमित हैं, दूर नहीं होगा अगर, तो जनता इनका बहिष्कार हर स्तर पे करना चाहेगी।